हैदराबाद में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आज लखनऊ में यूपी भाजपा की बैठक हुई। प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ ही भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और बैठक के बाद संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से बातचीत की और उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर चुनावी तैयारियां और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकारिणी में जो तमाम फैसले लिए गए थे यूपी में अब उनको अमल में लाया जाएगा। लखनऊ में बीजेपी की जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। हमारे साथ हैं सुब्रत पाठक जी, सांसद हैं बीजेपी के। क्या बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? बैठक में आगामी कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं और प्लस जो राष्ट्रीय कार्य समिति में जो प्रस्ताव पास हुए उन्हीं पर चर्चा हुई है। क्या खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर को लेकर कोई चर्चा हुई? मुर्मू जी आ रही हैं। वो कोई चर्चा नहीं है मुर्मू जी को लेकर जरूर, कि जिस प्रकार से एक भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी समाज की एक महिला को जो एक इस तरीके का जो प्रतिनिधित्व दिया है वो निश्चित रूप से देश के सभी वर्ग उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। एक प्रशंसनीय काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। चुनाव को लेकर या फिर 2024 के चुनाव को लेकर कुछ नीति बनी? वो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना बूथ संगठन को लेकर लगातार काम करती रहती है, उसी काम को और विस्तार देने पर भी चर्चा हुई है। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तमाम नामों की चर्चा चल रही है, क्या कहेंगे इस? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कोई साधारण कार्यकर्ता यहाँ के ऊपर शीर्ष पदों तक जाता ही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति यदि यहाँ तक पहुँच सकता है, एक आदिवासी परिवार में जन्मी महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है, तो कोई साधारण कार्यकर्ता आएगा, प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। आप थे सुब्रत पाठक, बीजेपी सांसद हैं कन्नौज से और बैठक से अभी निकले। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां पर कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर पहुंच सकता है। फिलहाल आज की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है और जो हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक में फैसले लिए गए थे वो यहां के पदाधिकारियों तक पहुँचाए गए हैं और उस पर आगे अमल किया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।